नमस्कार, मैं दिव्या धराधती, इस खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश करते के प्रमुख खबरों को। बिहार में लैंडफॉर जॉब स्कैम में अब तेजस्वी यादव भी घिरते जा रहे हैं। इस मामले में लालू, राबड़ी, देवी समेत 14 को जमानत पहले ही मिल चुकी है, लेकिन आज इस कांड में तेजस्वी को सीबीआई ने समन किया है। उनसे दिल्ली में पूछताछ हो रही है, वहीं दूसरी ओर प्रवर्तन निदेशालय मीसा भारती से पूछताछ कर रही है। मोदी सरनेम को लेकर किए गए कमेंट को लेकर मानहानि के दोषी करार दिए गए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म हो गई है। कांग्रेस और विपक्ष के तमाम नेताओं ने इस फैसले का विरोध किया है। अब लोकसभा सदस्यता खत्म होने के मुद्दे पर राहुल गांधी को भारतीय मूल के अमेरिकी सांसद रो खन्ना का भी साथ मिल गया। उन्होंने इस फैसले को गांधीवादी दर्शन और भारत के गहरे मूल्यों के साथ विश्वासघात बताया है। बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने शुक्रवार को एक बार फिर दोहराया है कि स्कूली शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया इसी साल 2023 में ही पूरी कर ली जाएगी। इसके अलावा कॉलेजों में भी शिक्षकों के खाली पद भर लिए जाएंगे। सत्र भी नियमित किया जा रहा है। विधान परिषद में शिक्षा विभाग से जुड़े अल्पसूचित व तारांकित प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। पंजाब से फरार हुए अमृतपाल सिंह के दिल्ली पहुंचने की खबरें आ रही हैं। हाल ही में पंजाब पुलिस ने दावा किया था कि पंजाब से फरार हुआ अमृतपाल सिंह को हरियाणा में देखा गया। अब खबरें हैं कि अमृतपाल के दिल्ली पहुंचने के इनपुट मिलने के बाद पंजाब और दिल्ली की पुलिस कश्मीरी गेट ISBT पर सर्च ऑपरेशन चला रही है। कहा जा रहा है कि संभवतः अमृतपाल ने खुद की पहचान छिपाने के लिए साधु का रूप बना लिया है। राज्यसभा सदस्य सुशील मोदी ने कहा है कि राहुल गांधी को सच बोलने की नहीं बल्कि मोदी सरनेम वाले लाखों पिक्चरों का अपमान करने की सजा मिली है। सच का तो गला घोटने के लिए तो खुद कांग्रेस राजनीति कर रही है। केंद्रीय वित्त मंत्री ने आज संसद में नेशनल पेंशन सिस्टम के रिव्यू का ऐलान कर दिया है। इसके लिए सरकार ने फाइनेंस सेक्रेटरी की लीडरशिप में एक कमेटी का भी ऐलान किया है जो इस पर जरूरी बदलाव करेंगी। वो तमाम बदलाव यूनिवर्सल होंगे जिन्हें केंद्र और राज्य सरकार दोनों अडॉप्ट कर सके। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता समाप्त होने के निर्णय की जदयू ने तीखी आलोचना की है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने इसके लिए सीधे भाजपा को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि हड़बड़ी में कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता समाप्त होने के निर्णय से अस्पष्ट हो गया कि केंद्र की भाजपा सरकार बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है। इसकी पूरी पटकथा बीजेपी ने लिखी है। अगर आप भी हाईवे पर अपनी कार से सफर करते तो टोल प्लाजा पर लगने वाला समय आपको अच्छा नहीं लगता होगा। सरकार की तरफ से लगातार टोल प्लाजा पर लगने वाले औसत समय को कम करने की कोशिश की जा रही है। इसी क्रम में देश में हाईवे पर मौजूदा टोल प्लाजा को हटाने के लिए सरकार अगले 6 महीने में GPS आधारित टोल कलेक्शन सिस्टम समेत अन्य तकनीक पेश करेगी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इस बारे में जानकारी दी है। बिहार में मौसम में सुधार होने के बाद पटना समेत प्रदेश के लगभग सभी जिलों में गर्मी बढ़ी है। पटना के अधिकतम तापमान में बीते 24 घंटे के दौरान 2.5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि देखी गई है। यह 34.2 डिग्री सेल्सियस का दर्ज किया गया है, जबकि 34.7 डिग्री सेल्सियस के साथ वैशाली प्रदेश का सर्वाधिक अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना तेजी से फैल रहा है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोविड के 152 नए केस मिले। इसके साथ ही पॉजिटिविटी रेट 6.66% पहुंच गई है। स्वास्थ्य विभाग से मिले आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में गुरुवार को कोविड की पॉजिटिविटी रेट 4.95% तक पहुंच गई है, जबकि 117 नए मरीज मिले थे। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को जोरदार तोहफा दिया है। सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4% का इजाफा किया है। इस बढ़ोतरी के बाद DA 38% से बढ़कर 42% पर पहुंच गया। DA में हुई बढ़ोतरी 1 जनवरी से लागू होगी, यानी कर्मचारियों को जनवरी और फरवरी का एरियर भी मिलेगा। इस फैसले से केंद्र सरकार के करीब 47.58 लाख कर्मचारी और 69.76 लाख पेंशन भोगियों को फायदा होगा। DA में यह बढ़ोतरी 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिश के बाद की गई है। देश भर के किसानों के लिए बड़ी खबर है। केंद्र सरकार ने कच्चे जूट के दामों में बढ़ोतरी की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अध्यक्षता में शुक्रवार को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक हुई। इस बैठक में वित्त वर्ष 2023-24 के न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने को मंजूरी दी गई है। सरकार ने कच्चे जूट की खरीद का न्यूनतम मूल्य 300 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ा दिया है। इस फैसले से देश के 40 लाख किसानों और उससे जुड़े 4 लाख श्रमिकों को सीधा फायदा होने की उम्मीद जताई जा रही है। खालिस्तान समर्थक प्रदर्शनकारियों द्वारा ब्रिटेन में भारतीय उच्चायोग में भारतीय तिरंगा हटाने के प्रयास की घटना पर कड़ा रुख अपनाते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शुक्रवार को कहा है कि भारत सुरक्षा के अलग अलग मानकों को स्वीकार नहीं करेगा। उन्होंने ब्रिटेन पर उच्चायोग के राजनयिकों को सुरक्षा प्रदान करने के दायित्व को पूरा नहीं करने का आरोप भी लगाया है, जिसकी अपेक्षा उस देश से की जाती है जहां उच्चायोग या वाणिज्य दूतावास स्थित होता है। अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने वॉशिंगटन में शुक्रवार को आयोजित शपथ समारोह में लॉस एंजलिस के पूर्व मेयर एरिक गॉर्सेटी को भारत में अमेरिका के
ने राजदूत के रूप में आधिकारिक रूप से शपथ दिलाई। अमेरिका सीनेट ने इस महीने के शुरुआत में भारत में अमेरिका के अगले राजदूत के रूप में गौरसिटी के नामांकन की पुष्टि कर दी थी। इससे भारत में 2 साल से अधिक समय से रिक्त पड़े अमेरिकी राजदूत के पद पर गौरसिटी की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया था। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में सशस्त्र बल अधिनियम यानी 1958 के तहत अशांत क्षेत्र का दर्जा 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा दोनों राज्यों में कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा के बाद यह कदम उठाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोलियम उत्पादों के दाम में वृद्धि को देखते हुए मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 200 रुपए प्रति एलपीजी सिलेंडर सब्सिडी 1 साल के लिए बढ़ा दी है। इस पहल से 9.6 करोड़ परिवार को लाभ होगा। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने 200 रुपए प्रति रसोई गैस सिलेंडर की सब्सिडी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को देने की मंजूरी दी है। यह सब्सिडी प्रति वर्ष 14.2 किलो के 12 एलपीजी सिलेंडर के लिए दी जाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुवाहाटी और न्यू जलपाईगुड़ी को जोड़ने वाली पूर्वोत्तर की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को 14 अप्रैल को हरी झंडी दिखा सकते हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी है। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने इस क्षेत्र में वंदे भारत की शुरुआत के मौके पर एक भव्य आयोजन की तैयारी शुरू कर दी है। WHO ने विश्व तपेदिक यानी टीबी दिवस पर इस बीमारी को दुनिया से मिटाने के लिए शुक्रवार को सरकारी और सामाजिक स्तर पर सहयोग की अपील की। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने उच्च स्तरीय नेतृत्व निवेश तथा नवाचारों और संगठन की नई सिफारिशों पर तेजी से अमल करने की तत्काल आवश्यकता को भी रेखांकित किया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खत्म हो गई। इस फैसले के बाद अब वह 2024 का लोकसभा चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। वहीं लोकसभा सचिवालय द्वारा जारी की गई अधिसूचना के बाद अब राहुल गांधी की लोकसभा सीट भी रिक्त हो गई है। लोकसभा स्पीकर की अधिसूचना के बाद निर्वाचन आयोग में वायनाड उपचुनाव की संभावना पर मंथन शुरू हो गया। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार आयोग सूत्रों के मुताबिक वायनाड लोकसभा क्षेत्र में उपचुनाव का कार्यक्रम अप्रैल में घोषित हो सकता है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री स्मृति ईरानी ने शुक्रवार को राज्यसभा में एक निजी संकल्प का विरोध करते हुए कहा है कि देश में धर्म के आधार पर लोगों के बीच विभाजन नहीं होना चाहिए और मौजूदा सरकार सभी तबकों को साथ लेकर न्यू इंडिया के दिशा में काम कर रही है जो समावेशी और समता पर आधारित है। कांग्रेस की जम्मू कश्मीर इकाई ने राहुल गांधी को लोकसभा की सदस्यता के लिए आयोग ठहराए जाने के खिलाफ शुक्रवार को यह मौन प्रदर्शन किया और इसे भारतीय जनता पार्टी की प्रतिशोध की राजनीति करार दिया है। कांग्रेस की जम्मू कश्मीर इकाई के अध्यक्ष विकार रसूल वानी और बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अपने नेता को अयोग्य ठहराए जाने की कार्रवाई की निंदा करने के लिए काली पट्टी और मास्क पहनकर पार्टी मुख्यालय के बाहर जम्मू के शहीदी चौक पर विरोध प्रदर्शन किया। लोकसभा ने सरकार की ओर से पेश 64 संशोधनों के साथ वित्त विधेयक 2023 को मंजूरी दे दी। अगले वित्तीय वर्ष के कर प्रावधानों को लागू करने वाले वित्त विधेयक शुक्रवार को विपक्ष के हंगामे के बीच बिना चर्चा के पारित हुआ। इसके साथ 1 अप्रैल से नए कर प्रावधानों के लागू होने का रास्ता भी साफ हो गया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आप और बीजेपी के बीच घमासान के बाद अब कांग्रेस और बीजेपी के बीच टकराव चरम पर है। एक दिन पहले राहुल गांधी की लोकसभा से सदस्यता रद्द करने के बाद अब लोक निर्माण विभाग ने मध्य दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय के निर्माणाधीन भवन के बाहर दिल्ली नगर निगम की मंजूरी के बिना बनाई गई 3 सीढ़ियों को शुक्रवार को तोड़ दिया। एक अधिकारी द्वारा इस बात की जानकारी दी गई है। राहुल गांधी को लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहरा दिया गया। बता दें कि अगर राहुल गांधी को आपराधिक मानहानि मामले में हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली तो उन्हें 1 महीने के भीतर लुटियंस दिल्ली में अपना आधिकारिक बंगला खाली करना पड़ सकता है। IIT, ISM, धनबाद मिनरल एंड माइनिंग इंजीनियरिंग देश का उत्कृष्ट संस्थान बन गया है। वैश्विक उच्च शिक्षा विश्लेषक QS वर्ल्ड रैंकिंग 2023 में ISM को खनिज एवं खनन इंजीनियरिंग में 25वां ग्लोबल रैंक मिला है। स्कोर्स के आधार पर इसे भारत में पहला स्थान मिला है। भारत जोड़ो यात्रा से लेकर राहुल गांधी को सजा होने तक कांग्रेस से दूरी बनाए रखने वाली पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अप्रत्यक्ष रूप से राहुल गांधी के पक्ष में पहली बार नजर आई। उन्होंने राहुल गांधी के लोकसभा से संसद सदस्यता को रद्द करने पर शुक्रवार को कहा कि देश का संवैधानिक लोकतंत्र निम्न स्तर तक गिर गया है। बनर्जी ने बिना किसी का नाम लिए कहा कि विपक्षी नेताओं को उनके भाषणों के लिए आयोग घोषित किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने पटना इलाहाबाद और छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में नए मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने एक ट्वीट में कहा है कि भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए भारत के राष्ट्रपति ने इन न्यायाधीशों को अब उच्च न्यायालयों में मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 52वें सत्र के दौरान एक सिंधी कार्यकर्ता ने पाकिस्तान सरकार और ISI पर कई संगीन आरोप लगाए। उन्होंने पाकिस्तान सरकार पर पिछले 75 सालों से सिंध प्रांत का आर्थिक शोषण करने और उसे गुलाम बनाए रखने का आरोप लगाया है। केंद्रीय रेल कर्मचारियों के संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में हर माह 21
तारीख के विरोध प्रदर्शन के सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहे हैं। न्यू पेंशन योजना की समीक्षा के लिए केंद्र सरकार ने कमेटी बनाई है। पूरे देश में संयुक्त मोर्चा के द्वारा रेलवे की मान्यता प्राप्त ट्रेड यूनियन नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे मेंस तथा ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के साथ एससी/एसटी एसोसिएशन और ओबीसी एसोसिएशन संयुक्त रूप से 21 तारीख को हजारों कर्मचारियों के साथ मिलकर धरना विरोध प्रदर्शन रैली कर रही है। सरकारी स्कॉलरशिप पर स्विट्जरलैंड में पीएचडी कर रही भारत के इंदौर शहर के एक सफाई कर्मचारी की बेटी ने शुक्रवार को जिनेवा में मानवाधिकार परिषद के 52वें सत्र के दौरान देश की प्रशंसा की है। संयुक्त राष्ट्र में एनआई से विशेष रूप से बात करते हुए रोहिणी घाबरी ने कहा है कि मुझे संयुक्त राष्ट्र में रहने का एक सुनहरा मौका मिला है। पिछले 2 वर्षों में मैं जिनेवा में पीएचडी कर रही हूँ और संयुक्त राष्ट्र में भारत का प्रतिनिधित्व करना मेरा सपना था। उन्होंने कहा है कि मेरा उद्देश्य भारत में दलित समुदाय की स्थिति के बारे में जागरूकता फैलाना है। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है नुन्नू गोलू कुमार आशीष एमडी साकिर हुसैन नौसाद अंसारी त्रिलोक कुमार बाबूलाल मरांडी और जितेंद्र ठाकुर। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है हमारे देश में विपक्ष को मजबूत होने के लिए क्या करना चाहिए। आप अपना जवाब हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।